हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त, बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक क्लास। तो गाइज, हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो तो ही यहाँ से आगे जाइए, और अगर आप लोग स्किप कर करके देखने वाले हैं तो अभी से वीडियो को बंद कर दीजिए गाइज। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो लोग भी मेरा वीडियो स्किप करके देखते हैं, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को अनलिंक का पूरा फीचर बताया था। ये जो नया अनलिंक का फीचर आया है उसमें आप लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया था, फिर भी आप लोग स्किप कर करके देखते रहे। और फिर आप लोगों ने कमेंट की, वो क्या बोलते हैं, इतनी सारी आप लोगों ने कमेंट कर दी। तो गाइस, कल का वीडियो मैंने स्टार्ट करने से पहले भी आप लोगों को बोल दिया था कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही देखिए, क्योंकि फिर आगे जाके आप लोग स्किप करके देखने गए और आप लोगों की आईडी हट गई, फिर आप लोग मुझसे मत बोलना कि आपकी वजह से मेरी आईडी हटी है। इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना है तो ही देखिए, अगर नहीं देखना है तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोग अभी से छोड़ के चले जाइए। क्योंकि गाइस, यहाँ पे जो पबजी ने अनलिंक का फीचर दिया है वो बहुत सेंसिटिव है, इसमें से अगर आप लोग एक भी स्टेप करना भूल गए तो फिर आपका अकाउंट यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। बहुत बंदों का चला गया है, क्योंकि क्या करें, वो लोग स्किप करना देखना जो पसंद करते हैं। अब यहाँ पे जो इन लोगों का दो अकाउंट था, उन लोगों ने एक अकाउंट लिंक किया है और दूसरे की उन लोगों का आईडी पासवर्ड याद ही नहीं है। वो लोग भी चिल्ला रहे हैं कि मेरा अकाउंट चला गया, मेरा अकाउंट चला गया। और जिन बंदों का एक अकाउंट था वो भी चला गया है, जो कि वो तो पबजी के थोड़े से बग के कारण ही गया है। उसके अकॉर्डिंग पबजी ने यहाँ पे माफ़ी भी मांग ली है कि आप लोगों का अगर गलती से अकाउंट चला गया है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे इवेंट के अंदर देखिए, नोटिस में पबजी ने एक अनाउंसमेंट की है कि अभी पबजी का जो 0.18.0 का अपडेट आया है, तो अपडेट के बाद अनलिंक का जो फीचर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और उस पर वो लोग काम भी कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी अनलिंक का फीचर बंद है। तो अभी आप लोग अनलिंक करना ट्राई मत करना। और इससे पहले जो बंदे ने कल अनलिंक कर लिया है और जिनका एक अकाउंट है, दो अकाउंट है, जितने भी अकाउंट यहाँ पे अनलिंक हो चुके हैं, उन लोगों को अपना अकाउंट वापस लाने के लिए यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस करनी है, और वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगी। तो वापस बता रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, उसके बाद आप लोग इतनी सारी कमेंट कर दोगे। तो गाइज़, वीडियो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो ना मेरा पूरा, तो आपको एक भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। लेकिन चलिए, फिर भी कोई ना, मैं आप लोगों की यहाँ पे सारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही बैठी हूँ। तो अब आप लोगों को अपना अकाउंट वापस लाने के लिए क्या प्रोसेस करनी है वो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है सेटिंग के अंदर, और सेटिंग में जाने के बाद लॉगआउट के पास जो कस्टमर सर्विस का ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर आप लोगों को सिंपली चले जाना है। अब यहाँ पे कस्टमर सर्विस के अंदर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ऊपर, सबसे ऊपर आप लोगों को दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक सर्च का और मैसेज का। तो आप लोगों को सिंपली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को एकदम स्लाइड करके नीचे चले जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आप लोग एकदम स्लाइड करके एकदम नीचे चले जाओगे लास्ट में, तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा होगा जो रेड या ग्रीन कलर जैसा है, और सॉरी रेड या पिंक कलर जैसा है। तो कॉन्टैक्ट अस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, एंटर योर मैसेज। तो एंटर योर मैसेज के अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ सेम आपको लिखना है। पहले आप लोग इनवर्टेड कोमा लगाइए, उसके बाद लिखिए अकाउंट, ठीक है, आपको लिखना है अकाउंट। अकाउंट के बाद आपको स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपको लिखना है लॉस्ट, अकाउंट लॉस्ट, और इनवर्टेड कोमा को आप लोगों को पूरा कर लेना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लोगों को अकाउंट लॉस्ट लिखना है, क्योंकि ये जो है एक टाइप का कीवर्ड ही है, ये आप लोगों को अकाउंट वापस लाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ये अगर आप लोग नहीं लिखोगे कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ जो स्टेप बता रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना। यहाँ पे एक बार कैंसिल जैसा हो चुका है, वापस मैं यहाँ पे अकाउंट के पास थोड़ी सी स्पेस लगा देती हूँ। इन्वर्टेड कोमा स्पेस अकाउंट लिखिए, स्पेस लॉस्ट लिखिए, और आप लोगों को वापस डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद करके मैसेज को सेंड कर देना है। यहाँ पे एक बार मेरी प्रॉब्लम हुई थी, पता नहीं पबजी क्या कर रहा है, फिर भी चलिए वापस एक बार मैं लिख लेती हूँ, अकाउंट लॉस्ट,
आपको सेम लिखना है अकाउंट लॉस्ट। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अकाउंट लॉस्ट लिखते हो तो उसके बाद क्या होता है वो भी लाइव प्रूफ के साथ देख लीजिए। और वापस बता रही हूँ, सारे स्टेप को गाइस अच्छे से फॉलो करना। तो यहाँ पे देखिए, मैसेज सेंड होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, यस दे हेल्प और नो दे डिडंट हेल्प। तो आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन नो दे डिडंट हेल्प पे सिंपली ओके कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार नो दे डिडंट हेल्प करोगे तो उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पबजी ने इसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें आप लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपका अकाउंट लॉस्ट हो चुका है ना, इसलिए आप लोगों को फर्स्ट वाले अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, ऑप्शन पे सॉरी। तो जैसे ही आप लोग फर्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों को पबजी दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप दी है, यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन पबजी ने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिख के सेंड करनी है, जिसमें से फर्स्ट ये है कि आप लोगों को अपने अकाउंट की कैरेक्टर आईडी डाल देनी है, जो 10 अंक की कैरेक्टर आईडी है ना उसको डालना है। फिर सेकंड पे ये है कि आप लोगों को अपने अकाउंट से जो दो सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, जो भी आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा वो दो अकाउंट आपको यहाँ पे डाल देने हैं। फिर थर्ड पे आपको ये लिखना है कि आप लोगों का कौन सा अकाउंट अनलिंक हो चुका है, जो अकाउंट आपका अनलिंक हो चुका है उसको आपको लिखना है, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, जो भी हो। उसके बाद फोर्थ पे आपको ये लिखना है कि आपका जो अकाउंट लॉस्ट हो चुका है उसमें आपका नाम क्या था, जैसे कि फेसबुक पे आपका नाम क्या है, ट्विटर पे आपका नाम क्या है, वो आपको नाम लिख देना है। फिर फिफ्थ स्टेप पे ये है कि आप लोगों का जो अकाउंट लॉस्ट हो चुका है उसकी रजिस्टर डेट क्या है। और सिक्स स्टेप ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम यूसी कब परचेस किया था उसकी डेट लिखनी है। तो गाइस, लास्ट वाली डेट में अगर आपने यूसी परचेस किया होगा तो लिख देना, अगर नहीं लिखा है तो नो लिख देना। लेकिन जो फिफ्थ वाली स्टेप है, रजिस्ट्रेशन डेट, वो बहुत ही हार्ड स्टेप है, क्योंकि हम लोग पबजी इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं तो हम लोगों को याद नहीं होगा कि आखिर में हमारी रजिस्ट्रेशन डेट है तो कौन सी है। तो गाइस, इसको इस पे भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि कैसे आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन डेट पता कर सकते हो। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो मेरा आप लोगों के लिए बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो मैंने यहाँ पर सारे स्टेप बताए हैं उसको अच्छे से फॉलो करना। ओके, बाय बाय।